के साथ। छपरा से बड़ी खबर, रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज किया गया है। नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। बूथ पर हंगामा करने का आरोप लगा है रोहिणी आचार्य पर। मतदान प्रभावित करने का भी आरोप है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने केस दर्ज कराया है रोहिणी आचार्य पर। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य असारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, खुद भी उम्मीदवार है, और ऐसे में रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज किया गया है। नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह केस दर्ज कराया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी समर्थकों ने हंगामा किया, छपरा में चुनावी हिंसा हुई, दोनों पार्टी के समर्थकों में विवाद हुआ, आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और ऐसे में आपको बताते चले, बीजेपी समर्थकों ने यह आरोप लगाया है रोहिणी आचार्य पर वोट प्रभावित करने का। रोहिणी बूथ छपवाने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी, ये आरोप लगाया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। मतदान के दूसरे दिन ही ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। मर, 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 बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए आप। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं। सम्राट ने आरोप लगाया है कि लालू और राबड़ी देवी के अंगरक्षक रोहिणी के साथ चल रहे थे और इस बात की जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो वहीं सम्राट के अंगरक्षक वाले बयान को तेजस्वी यादव ने फालतू बताया है। क्या रोहिणी आचार्य के साथ चलते हैं लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड? ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ा सवाल उठाया है बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। लालू प्रसाद की बेटी और सारण से आरजेडी के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य 20 मई को वोटिंग वाले दिन छपरा के तेलपा बूथ पर दो बार गई थी। बूथ पर रोहिणी आचार्य से बीजेपी कार्यकर्ताओं की बकझक हुई और उसके अगले ही दिन बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में 3 लोगों को गोली लग गई। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। छपरा में हुई चुनावी हिंसा के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के अंगरक्षकों के साथ वहां गई थी। पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे, ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। सम्राट चौधरी के अंगरक्षक वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने सम्राट के बयान को फालतू बताया। सम्राट चौधरी ने सवाल खड़ा किया है कि रोहिणी के साथ राबड़ी जी का बॉडीगार्ड कैसे था, जबकि अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड उनकी बेटी के साथ। अरे अरे सर, मुद्दा फालतू का, बेकार का बात, लोगों को हवे में बात करता है। कैसे था, कैसे था, इसका कोई मतलब है क्या? तीन तीन हर कैंडिडेट को 3 बॉडीगार्ड मिलता नहीं, पता है उनको, पता है कि मेरा बॉडीगार्ड का चेहरा क्या है। छपरा की चुनावी हिंसा ने एक बार फिर बिहार को सुर्खियों में ला खड़ा किया है। चुनावी हिंसा के बाद लालू प्रसाद के परिवार सम्राट चौधरी के बॉडीगार्ड वाले वार ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग नेटवर्क के लिए रामघाट के पास इकट्ठा हो गए। लोगों ने बताया कि उन्हें कोचिंग क्लास के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत हो रही है। रामघाट के पास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संतोष गुप्ता। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसका खामियाजा युवा भुगत रहे हैं, जिनको पढ़ाई करनी है या कोई अन्य काम करना है, लेकिन युवाओं ने इस आपदा में भी कैसे अवसर खोज लिया। आप देख सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की सीमा है और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बड़ी संख्या में युवक जो आकर के इंटरनेट के नेटवर्क को पकड़ करके इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये जो तमाम युवक आए हुए हैं बड़ी संख्या में, यहाँ पे मेला जैसा लगा हुआ है। लोग को बहुत परेशानी हो चुका है, अपने में लोग लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा है। तो इसके लिए कुछ सर बिहार सरकार को आवाज उठानी चाहिए। खिलौना हो गया मोबाइल हमारा, कोई यूज नहीं है इसका, बिना नेट का कोई यूज नहीं है। खिला तो पकड़ रहा है उन्होंने, इसलिए तो आए हैं यहाँ पर। माजी से मैंने यहाँ पकड़ ले रहा है इंटरनेट, नहीं पकड़ रहा तो कोई आता है यहाँ पर। कहाँ का ये नेटवर्क है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। कहाँ से आए हो? हम माजी मियापट्टी से हैं। माजी मियापट्टी जी। इंटरनेट चल रहा है? जी चल रहा है, या एयरटेल का नहीं चल रहा, जियो का चल रहा है। जियो का चल रहा है ना, जियो कुछ साथ दे रहा है। जी जियो साथ दे रहा है। क्या करने के लिए, मतलब इंटरनेट किस लिए चलाने आए थे? जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, जैसे
नेट से अति चलाते हैं हम लोग, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं उसी पर, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना। बंद हो गया था तो पढ़ाई रुक गई। जी पढ़ाई रुक गया था थोड़ा, आए यहाँ पे कुछ कनेक्ट होता है तो डाउनलोड करो, फिर घर पे पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं फिर घर लेके जाकर। जी निश्चित तौर पे इंटरनेट आज आम लोगों की जरूरत है, बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे जब हिंसा होते हैं तो छपरा में साल भर के अंदर 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब इंटरनेट को बंद किया गया है। ऐसे समय में युवाओं को काफी दिक्कत हो जाती है और इस कारण से परेशान होते हैं युवा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये जो जगह है युवाओं के लिए थोड़ी राहत जरूर देता है ऐसे समय में, क्योंकि पिछले जब भी इंटरनेट बंदी होती है तो यहाँ पे युवाओं की ऐसी भीड़ देखी जाती है और बड़ी संख्या में युवा यहाँ आकर के इंटरनेट का आनंद लेते हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा।